राहुल और प्रियंका के राइट हैंड के साथ हो गया बहुत बड़ा खेला। कांग्रेसियों ने मचाया गदर। कांग्रेस ने शुक्रवार को काले कपड़े पहनकर महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया। इस दौरान भारी गहमागहमी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद राहुल ने आरोप लगाया था कि पार्टी के कुछ सांसदों के साथ पुलिस ने मारपीट की। इस बीच अब बीजेपी ने राहुल और प्रियंका गांधी पर तमाशे की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल बीजेपी आईटी विंग के प्रभारी अमित मालवीय ने एक फोटो ट्वीट की है, जिसमें कांग्रेस नेता दीपेंद्र एस हुड्डा और राहुल गांधी पुलिस कर्मियों के साथ संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अमित मालवीय ने फोटो के साथ लिखा, राहुल गांधी ने अपने सहयोगी दीपेंद्र हुड्डा की शर्ट फाड़ दी ताकि प्रदर्शन की एक अच्छी फोटो बन सके और दिल्ली पुलिस को इसके लिए दोषी ठहराया जा सके। इससे पहले मालवीय ने यह भी दावा किया था कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जो पार्टी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी, ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों का हाथ मरोड़ा और उन्हें लात तक मारी। मालवीय ने ट्वीट में कहा, ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस कर्मी के साथ प्रियंका वाड्रा की मारपीट, उनका हाथ मरोड़ा और लात मारी, फिर वे शिकायत करते हैं कि पुलिस हाथापाई कर रही है, जबकि सच इसके विपरीत है।